अनुभव जी, आपका स्पोर्ट्स गांव में स्वागत है। तो अनुभव जी, आप बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, तो कैसे स्केटबोर्डिंग की तरफ, इंजीनियरिंग टू स्केटबोर्डिंग? एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग के बाद जब मैं एमबीए करने गया तो कॉलेज से हॉस्टल की दूरी थी करीब 800 मीटर या 900 मीटर। तो माय डैड टोल्ड मी टू बाय अ बाइक और समथिंग, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि एक स्पोर्ट और एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े रहना चाहिए, तो आई थॉट आई शुड बाय अ स्केटबोर्ड। फिर मैं क्लास जाने लगा स्केटबोर्ड से ही, और उसके बाद धीरे धीरे मुझे खेल और अच्छा लगने लगा। इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन, मुझे ऐसा लगता है मैं ध्यान कर रहा हूँ। फिर सडनली एक दिन ये ओलंपिक स्पोर्ट बना, उसके बाद मुझे लगा कि इस स्पोर्ट को जो खेल रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक कंपनी होना चाहिए, प्रॉपर फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस होना चाहिए, ताकि लड़के अच्छे जो कर रहे हैं, लड़कियाँ जो अच्छी कर रही हैं, वो आगे बढ़ें। फिर उसके बाद आई फाउंडेड आउट दिस कंपनी कॉल्ड इंडियन स्केट कल्चर, और फेडरेशन के साथ फिर मैंने काम करना चालू किया। आई स्टार्टेड टेकिंग समर कैंप्स ऑल ओवर द इंडिया, और बाकी जो स्टेट्स में सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं, उन चैम्पियनशिप्स होती हैं, प्रॉपर वर्ल्ड स्केट की गाइडलाइंस के साथ, वो सब भी मैं करवा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इन अनदर 5 to 6 ईयर्स हम लोग ओलंपिक लेवल के एथलीट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। आई मीन देर आर ऑलरेडी सम प्रीटी मच गुड स्केटबोर्डर्स राइट नाउ। अनुभव जी, आपने इंजीनियरिंग में भी जॉब किया जी, तो कब ये डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग की जॉब को छोड़ के फुल टाइम जो प्रोफेशनल स्केटबोर्डर बने और इसी में आगे कोचिंग दें? ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डेस्टिन फॉर ग्रेटनेस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग थोड़ा अच्छा चलता है, क्रिएटिव हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि वाई नॉट पुट इट इन टू समथिंग विच इज़ गोइंग टू गेट मी सम यू नो लॉन्ग टर्म रिकॉग्निशन, और मैं कुछ अच्छा चेंज ला सकूँ, मुझे ऐसा हमेशा लगता है। तो आई केम अप, दिस स्पोर्ट केम टू मी देन, और मुझे लगा कि यही वो चीज़ है, क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी इससे हमेशा बनी रहती है। इट कीप्स मी हेल्दी, इट कीप्स मी क्रिएटिव, एंड आई थिंक दिस इज़ द थिंग फॉर मी। और आपने अकेडमी कब स्टार्ट किया और कहाँ पे की? आई स्टार्टेड स्केटबोर्डिंग अकेडमी ऑन 1st of October 2017 इन इंदौर, और मैंने सिखाना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझे खेल बढ़ाना है। तो मैंने वो एक सेक्रीफाइस किया कि मैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स से बाहर निकलूं और आई शुड गेट इनटू स्टूडेंट्स एंड स्केटर्स कम एज से, तो बड़ी ट्रिक्स लैंड कर पाएँ वो बड़े होते होते, क्योंकि एक ट्रिक सीखते सीखते 6-7 साल आराम से लग जाते हैं। तो अगर कम एज से हम शुरू करेंगे तो आई थिंक आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस गुड स्केटबोर्डर्स। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टीचिंग, एंड परहैप्स अच्छे स्केटबोर्डर्स आ रहे हैं अब धीरे धीरे। अनुभव जी, इंडिया में अब कितने स्केट पार्क्स हैं? एज ऑफ येट इंडिया में 23 स्केट पार्क्स हैं इंक्लूडिंग दिस, एंड इस हिसाब से द स्केट पार्क करंटली वी आर स्टैंडिंग इन, ये सबसे हाईएस्ट डिफिकल्टी का स्केट पार्क है, बिकॉज वी हैव अ 7 स्टेयर्स डाउन रेल। और मेरा मानना ये है, जब मैंने स्केट पार्क डिज़ाइन किया था तब मैंने यही सोच के किया था कि मेरे जो स्केटबोर्डर्स हैं इंडिया के, उनका लेवल बढ़े, और अगर ये स्केट पार्क अच्छे से कोई कर पाएगा तो मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पे जो स्केट पार्क्स बन रहे हैं, जो कैलिफोर्निया स्केट पार्क्स और जो बड़ी बड़ी कंपनीज स्केट पार्क बना रही हैं, उनके स्केट पार्क्स में भी हम जाके अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये मेरा थॉट प्रोसेस था इस स्केट पार्क को बनाने के पीछे। और ये लास्ट 3-4 ईयर्स में ये कितना ग्रो किया है, जब से ओलंपिक डिसिप्लिन बना है स्केटबोर्डिंग, तो तब से इंडिया में कितना ग्रो करा है? सर, मेरी बात की जाए तो मैं शायद 1st या 2nd जनरेशन हूँ स्केटबोर्डर्स की, और अगस्त 2016 में ये ओलंपिक स्पोर्ट बना है। उसके बाद से करंटली वी हैव अराउंड 3,000 to 4,000 स्केटबोर्डर्स, और दैट टू फ्रॉम इट फीमेल स्केटबोर्डर्स अभी कम है। एंड आई वुड लाइक टू स्टेट दिस, बहुत ही रेयर एक फैक्ट बताना चाहूँगा, जो वर्ल्ड नंबर 2 है फीमेल स्ट्रीट स्केटबोर्डर, शी इज़ अ गर्ल फ्रॉम ब्राज़ील, शी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। तो यू कैन फिगर आउट कि ये स्पोर्ट कितना एब्स्ट्रैक्ट है और कितनी सारी कंट्रीज में खेला जाता है। दैट्स जो स्केटबोर्डिंग का क्या रैंकिंग है वर्ल्ड लेवल पे? सर, स्केटबोर्डिंग बिकेम एन ओलंपिक स्पोर्ट इन अगस्त। इंडियन स्केटबोर्डर्स ने फॉरेन कॉम्पिटिशन में कब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया? 2015 नानजिंग में हमने पार्टिसिपेंट भेजे थे फ्रॉम इंडिया, एंड जो ओलंपिक क्वालिफायर्स होते जा रहे हैं थ्रू द
थ्रू द ईयर्स वी हैव सेंट सम एथलीट्स बट दे आर नॉट दे मतलब उनने कुछ टाइम पहले स्केटबोर्डिंग स्टार्ट करी है तो दे आर स्टिल लर्निंग और इंडिया के लिए ये अभी नया स्पोर्ट है. तो आई थिंक हमारे इंडिया से एक ऐसा स्केटबोर्डर जो कि वर्ल्ड लेवल पे जाके मेडल ले आए इसमें हमें कुछ टाइम है लेकिन द प्रोसेस हैव स्टार्टेड. यू डोंट यू जस्ट स्टे ट्यून्ड. हमारे कंट्री से एक स्केटबोर्डर अच्छा आने वाला है और हम सही में मेडल लेने वाले हैं. ये कॉस्टली स्पोर्ट है या कितना एक कॉस्ट पड़ता है कि एक अगर नॉर्मल आदमी को ये गेम करनी है बच्चे को करनी है तो उसको कितना पैसा खर्चना पड़ेगा? ओके सो लेट मी टेल यू अबाउट द इक्विपमेंट. एक नॉर्मल स्केटबोर्ड 6,000 से 7,000 का एक स्केटबोर्ड आपको अच्छे से अच्छा मिल जाएगा. यू नो 7 लेयर्स कैनेडियन मेपल एंड हॉलो किंग पिन अगर आपको लेना है तो इट्स 7,000 इज़ द यू नो हाइएस्ट यू कैन गेट. तो इट्स वेरी चीप स्पोर्ट दैट्स वाई इट्स द मोस्ट एक्सेसिबल स्पोर्ट एंड परहैप्स ये वर्ल्ड के टॉप 10 ग्लोबल स्पोर्ट्स में इसीलिए आता है. तो एंड यू जस्ट नीड अ पेयर ऑफ शूज एंड अ स्केटबोर्ड एंड अ कॉन्क्रीट पीस. मैं जैसे इस पे खड़ा होता हूँ मेरी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है. यू नो यू सी आई डोंट हैव टू टाई समथिंग. मुझे पैड्स नहीं पहनना है, हेलमेट नहीं लगाना है, मुझे ये नहीं करना. हेलमेट मुझे पहनना है बट द मोमेंट आई एम स्टैंडिंग ऑन अ स्केटबोर्ड मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है. यू सी तो आपको क्या लगता है कि इसमें एक जो एंट्री बैरियर क्या है इस स्पोर्ट को स्टार्ट करने में? सबसे पहली चीज़ तो है स्केटबोर्ड्स. अगर स्केटबोर्ड नहीं होंगे तो स्केटबोर्डर्स नहीं होंगे. तो दैट्स वाई मैं स्केटबोर्ड बनाता हूँ, चलाता हूँ और सिखाता हूँ. तो मैं स्केटबोर्ड्स अच्छे लेवल के बनाने लग गया हूँ क्योंकि अच्छे इक्विपमेंट होंगे तो अच्छे एथलीट्स होंगे. तो सबसे पहला एंट्री बैरियर तो था स्केटबोर्ड्स, तो वो मैं बनाने लग गया हूँ. दूसरा बैरियर था फैसिलिटीज़, तो मैं स्केट पार्क्स भी बनाने लग गया हूँ और अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमें कोई रोक सकता है. तो आई एम वर्किंग रियली हार्ड डे एंड नाइट. जब तक मुझ में ताकत है मैं स्पोर्ट के लिए ही काम करूँगा मुझे ऐसा लगता है. आगे मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन आई विल कीप वर्किंग फॉर दिस आई बिलीव. तो अनुभव जी अगर ये कहीं पे स्केट पार्क नहीं है तो वहाँ पे भी जो प्लेयर्स हैं वो स्केटबोर्डिंग कर सकते हैं? ये रोड पे हो सकती है या किसी भी प्लेन सर्फेस पे? जी बिल्कुल हो सकती है क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल जैसा स्पोर्ट है. यू नो इफ़ यू जस्ट यू हैव अ स्केटबोर्ड आप ये घर में इसे रखे रहेंगे जस्ट यू फील लाइक गोइंग ऑन अ रन आप घूम के आ जाएंगे थोड़ा इसमें. तो इट्स मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल. ये खेल आपके लाइफ में जुड़ जाता है और इट्स लाइक यू नो एक्सप्रेसिंग फ्रीडम. आप इसमें कोई फिनिशिंग लाइन नहीं होती है, इसमें कोई फाउल नहीं होते हैं एंड यू कैन नॉट चीट इन दिस स्पोर्ट. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव हियर एंड यू नो इसमें कोई आपको देर इज़ नो लेवल मतलब आपको कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि ये गलत है या ये सही है. हर ट्रिक सही है. यू नो यू सी हर ट्रिक यहाँ पे जस्टिफाइड है बट व्हेन इट कम्स टू ग्लोरी ओलंपिक्स लेवल पे जब जजिंग होती है उसके जो मार्क्स होते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है लेकिन वो भी काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट रखा है जजेस ने और वर्ल्ड स्केट ने एंड परहैप्स हमारी फेडरेशन ने. 58th नेशनल स्केटिंग चैम्पियनशिप जो चल रही है तो यहाँ पे स्केटबोर्डिंग में कितनी स्टेट से स्केटर्स आ रहे हैं? स्केटबोर्डिंग में अराउंड 13 स्टेट से स्केटबोर्डर्स आ रहे हैं और उनमें से 2 स्टेट्स में मैंने सिलेक्शन ट्राई लिए थे और समहाउ मैं आई एम कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरी स्केटबोर्डर फ्रॉम इंडिया बिकॉज दैट्स माई जॉब. हर स्केटबोर्डर उसका लेवल उसमें उसको क्या क्या ट्रिक्स आ रही हैं तो इस स्टेट में जो चैम्पियन बनेगा वो परहैप्स इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा लेकिन उसके पहले एक इंडिया कैंप लगेगा जो कि शायद मैं ही लूँगा और उसमें उनका लेवल मैं कोशिश करूँगा और ऊपर बढ़ाने का. और इंडिया में कौन सी स्टेट्स में ये ज़्यादा पॉपुलर है या ज़्यादा अभी बच्चे कर रहे हैं फैसिलिटीज़ की वजह से? बेंगलोर इज़ द मतलब जो बेंगलोर में 2 स्केट पार्क हैं अच्छे हैं लेकिन वो पार्क फॉर्मेट के हैं. दिस इज़ अ स्ट्रीट फॉर्मेट. यू नो यू कैन सी स्टेयर्स रेल्स लेजेस एंड इन द पार्क फॉर्मेट फॉर ओलंपिक गेम्स देर आर बोल्स मतलब जैसे ऐसे बोल्स होते हैं किडनी बोल्स होते हैं एंड ट्रसेस होते हैं कर्वेचर्स होते हैं. तो स्केटबोर्डिंग में टोटल कितने इवेंट्स होते हैं और कितने मेडल्स? ओके सो एज पर वर्ल्ड स्केट 2 फॉर्मेट ऑफ स्केटबोर्डिंग है और वर्ल्ड रोलर गेम्स में 4 फॉर्मेट हैं. तो आई विल ब्रीफ यू डाउन टू एवरीथिंग. सबसे पहले तो स्ट्रीट फॉर्मेट होता है जिसमें स्टेयर्स लेजेस एंड रेल्स होती हैं हबर्स होते हैं
तो इट्स ऑल दो स्ट्रीट एलिमेंट्स जो होते हैं, आप जब स्ट्रीट में जाते हैं आपको स्ट्रीट एलिमेंट्स मिलते हैं जस्ट लाइक दैट. एंड देन देर आर पार्क एलिमेंट्स, जैसे आप हाफ पाइप देख रहे हैं वहाँ पे, एंड देर इज दिस फन बॉक्स इन द मिडल. सो हाफ पाइप्स एंड बोल्स, क्वार्टर पाइप्स, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर पार्क फॉर्मेट ऑफ स्केटबोर्डिंग. एंड देन द अदर टू फॉर्मेट्स जो वर्ल्ड रोलर गेम्स में, देट आर वर्ट, आपने देखा होगा इट्स लाइक 12 फीट बोल, सो इट्स अ वर्ट. आप वी स्टार्ट फ्रॉम हियर देन डू अ ट्रिक फ्रॉम ओवर हियर एंड देन गेट बैक टू द बोल. एंड देन वन इज डाउन हिल स्केटबोर्डिंग, जो कि सबसे आई मीन आई शुड से डेंजरस स्पोर्ट है, बिकॉज यू गो डाउन हिल एंड यू हैव अ सूट एवरीथिंग. एंड डाउन हिल एंड वर्ट आर नॉट इन ओलंपिक स्पोर्ट. तो स्ट्रीट एंड पार्क, 20 मेल 20 फीमेल बोथ फॉर्मेट्स, तो दे आर गोइंग टू बी 80 एथलीट्स इन द ओलंपिक गेम्स फॉर स्केटबोर्डिंग. सो स्ट्रीट पार्क मेल फीमेल, स्ट्रीट पार्क मेल फीमेल, तो फोर मेडल्स. तो ये एक विलेज, देहलपुर विलेज मोहाली में ये पार्क बना है. तो इंडिया में विलेजेस में भी है स्केट पार्क्स? जी हाँ, एक्चुअली आई वर्क फॉर अ एनजीओ, वी हैव अ स्केट पार्क इन जनवार विलेज नियर पन्ना मध्य प्रदेश. व्हाट वी हैव ओवर देयर इज एक पार्क फॉर्मेट का ही स्केट पार्क है. एंड जब वो पार्क बना उसके बाद उस गांव में एक्चुअली रिवॉल्यूशन आ गया, क्योंकि जो वहाँ पे जिन्होंने पार्क बनाया था, दे स्टार्टेड दिस थिंग कॉल्ड नो स्केटबोर्डिंग इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल. सो स्कूल्स में अटेंडेंस बढ़ गई, बच्चे स्कूल ज़्यादा जाने लग गए. और जस्ट बिकॉज अ स्केटबोर्ड इज़ वेरी चीप, तो वहाँ पे स्केटबोर्ड्स भी बना के वहाँ पे रख दिए गए. लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें आई कि इंजुरीज होती हैं या कुछ होते हैं, तो वो इंजुरी कैसे बचना है उन बच्चों को और क्या क्या चीज़ें लेवल बढ़ाना है. तो व्हाट आई डू इज़ मैं अपनी एकेडमी से अपने बच्चे वहाँ ले जाता हूँ और फिर वहाँ से भी बच्चे अपनी एकेडमी लेके आता हूँ. तो उनको भी सिटी का एक्सपोजर मिलता है बच्चों को, और जो मेरे किड्स हैं वो वहाँ पे जाते हैं तो कॉन्टैक्ट बनाते हैं. तो जानवर विलेज के अलावा और कौन कौन से विलेजेस में स्केट पार्क है? ओके, सो देर इज़ वन स्केट पार्क इन खेमपुर, उदयपुर के पास है, और दैट पार्क इज़ बीइंग बिल्ट बाय मंजरी एंड विनीति माखीजानी, दे आर अ गुड फ्रेंड्स. सो वो एक्चुअली दे आर सिस्टर्स बट दे आर माई गुड फ्रेंड्स. सो उनकी भी एक टीम आने वाली है. दे बिल्ड दैट स्केट पार्क फॉर अ फीचर फिल्म कॉल्ड डेजर्ट डॉल्फिन्स. और राइट आफ्टर दैट वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे स्केटबोर्डर्स स्टार्ट कर चुके हैं. सो वन मोर विलेज इज़ इन कोवलम केरला, नियर टू द त्रिवेंद्रम, और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे स्केटबोर्डर्स यहाँ पे आने वाले हैं. आई विल गेट देम टू मीट यू. एंड देर इज़ वन मोर विलेज इन आंध्र प्रदेश, उस विलेज का नाम है प्रोटो विलेज. वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड ही है, ही इज़ बीन देयर वर्किंग सिंस क्वाइट टाइम सेम टाइम. वहाँ पे भी अच्छे स्केटबोर्डर्स हैं एंड वी हैव देम ओवर हियर ऑल्सो. अनुभव, तो इंडिया में स्केटबोर्डिंग जो है वो सिर्फ एक अर्बन सिटीज़ की स्पोर्ट नहीं रही है, क्योंकि विलेजेस में भी है, काफ़ी स्केट पार्क्स बने हैं. तो ये ट्रेंड आप कैसा देख रहे हैं गेम को और फर्दर इसका ब्रॉड बेस बढ़ाने में? मुझे लगता है अभी बहुत काम होना है इस स्पोर्ट में, और आई बिलीव इस स्पोर्ट के लिए रिस्पेक्ट भी बिल्ड करना मेरा काम है, क्योंकि पीपल डोंट रिकॉग्नाइज दिस एज अ स्पोर्ट. उन्हें लगता है कि बस दे आर जस्ट प्लेइंग विद सम व्हील्स अराउंड हियर. बट जिस लेवल की कॉन्सेंट्रेशन और जिस लेवल की स्ट्रेंथ स्पोर्ट में चाहिए, इट्स प्रेटी मच वेरी इंटेंस. मुझे लगता है एवरी अदर स्पोर्ट इस नेशनल चैम्पियनशिप में जो मेडल विनर्स होंगे तो उनका कैंप यहीं लगेगा, इसी रिंक में? हाँ, इसी रिंक में कैंप लगेगा. एंड आई एम प्लानिंग टू गेट देम टू दी अदर जो स्केट पार्क्स हैं इंडिया में, उनसे मैं उनको पूरी तरह से आई एम गोइंग टू ग्रूम देम. मैं उन्हें हर नई ट्रिक सिखाऊंगा और सारी नई ट्रिक्स मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज इफ़ दे कैन थिंक अ बिगर ट्रिक देन दे कैन डू इट. तो इंडिया में जो बाकी स्केट पार्क्स हैं मैं कोशिश करूंगा उनमें भी हम कैंप लगाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनका लेवल बढ़े किसी भी तरीके से. तो और इंडियन स्केटबोर्डर हम ओलंपिक्स में कौन सी ओलंपिक्स में देख सकते हैं? आई बिलीव नॉट अंटिल पेरिस 2024, बिकॉज आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस. बिकॉज मैं सबसे पहले तो मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलता कि यू नो नेवर गेट सेटिस्फाइड
विथ योर ट्रिक्स, कभी सेटिस्फाई मत रहो अपने स्केटबोर्डिंग से, बिकॉज स्केटबोर्डिंग डिफिकल्ट होता जाता है, तो मैं उन्हें हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता हूँ। और मैं कोशिश मेरी यही है कि मेरी मिशन ही यही है कि मैं ओलंपिक में एक लड़का भेजूँ, और मुझे इस चीज़ का प्रेशर नहीं है क्योंकि वो इवेंचुअली आ ही जाएगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ लगातार। अनुभव, स्पोर्ट्स गांव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी इंडिया का स्केटबोर्डर जो है ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे। थैंक यू वेरी मच अनुभव। थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक्स फॉर कैप्चरिंग दिस वंडरफुल स्पोर्ट।